चुनाव की आहट से सत्ता पक्ष व विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। किरण चौधरी ने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सड़क निर्माण पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि इसकी जांच किसकी शय पर नहीं हो रही। आपको बता दें कि किरण चौधरी अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर पानी के मामले में भिवानी से भेदभाव के आरोप लगाए और साथ ही इनेलो को आड़े हाथों लिया। किरण चौधरी ने अनेक मुद्दों पर इनेलो व भाजपा पर निशाना साधा और किसानों के साथ भद्दा मजाक करने के आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर द्वारा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी व खुद को चोट मारने वाले एक होने के बयान पर चुप्पी साध ली। किरण चौधरी ने सबसे पहले भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाईचारे के प्रदेश हरियाणा में भाजपा सरकार में 3 बार आग लगी, ऐसे प्रदेश में ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ भद्दा मजाक करने के भी आरोप लगाए। किरण चौधरी ने सरकार द्वारा MSP बढ़ाने पर भी पलटवार किया और कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने वाले अब MSP के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि पिछले महीनों में ही सरसों 4,000 रुपए MSP पर कहीं नहीं बिकी। यही नहीं, सरसों का भुगतान किसानों को आज तक नहीं हुआ। ऊपर से कृषि मंत्री नाचने का मन करने की बात कहकर किसानों से मजाक करते हैं। यही नहीं, किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि MSP के बहाने सरकार ने खाद के कट्टे में खाद की मात्रा कम कर दी और रेट बढ़ाकर किसानों की दोनों जेबों में डाका डाला है। उन्होंने कहा कि इनेलो व भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी SYL पर जबरदस्त राजनीति की। किरण चौधरी ने कहा कि पंजाब में PM मोदी के स्टेज से हमारे CM ने अपने पानी के हक की बात नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक बार फिर इनेलो को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनेलो को डाला वोट भाजपा को और भाजपा का डाला वोट इनेलो को जाएगा। किरण चौधरी ने कहा कि 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी हांसी बुटाना लिंक नहर के पानी का बंटवारा भी सही नहीं है। चुनावों के कारण भिवानी के हिस्से का पानी सरकार ने राजस्थान को दे दिया। किरण ने दावा किया कि भाजपा कुछ कर ले, लेकिन राजस्थान में भाजपा की बुरी हार होगी। भले ही प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माने, पर किरण चौधरी ने सरकार की उस उपलब्धि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी में बनी सड़कें श्रुति चौधरी द्वारा भिवानी को NCR में शामिल करवाने की देन है। किरण ने कहा कि प्रदेश में बन रही सड़कों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि अधिकतर सड़कें पहली बारिश में बह रही हैं, लेकिन सरकार न जांच करवाती है न कोई कार्रवाई करती है। उन्होंने आशंका जताई कि ये किसी मंत्री की शय पर हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आने वाली एक कंपनी किसानों व सरकार का प्रीमियम लेकर भागने के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि देश से अपनी कंपनी भाग नहीं रही, बल्कि उन्हें भगाया जा रहा है, जिससे देश खोखला हो गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गई है जिससे ये दोबारा से अपना मुंह जो है लोगों के बीच में दिखा पाए। तो ये केवल और केवल भाईचारा खराब करने की बात करेंगे, और ये हमारे सामने आ गया है। 3 बारी हरियाणा इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 3 बारी हरियाणा जो है वो जलवाया गया है, वो जला है, हरियाणा जला है। इन्होंने जो वायदे करे थे एक भी वायदा पूरा नहीं हो पाया, सारे के सारे जो हैं जुमले साबित हुए हैं। और आज नतीजा ये है कि हिंदुस्तान जो है इकोनॉमिकली एक हमारा डिजास्टर हो चुका है।